दोस्तों इस वक्त मौजूद हूं मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। ताजनगरी आगरा में वर्ष 2022 में देखिए किस प्रकार माफियाओं की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस उपायुक्त शहर विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022 में 13 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनसे 38 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। देखिए क्या बोले विकास कुमार। आगरा पुलिस ने वर्ष 2022 में गैंगस्टर जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कुर्की कार्रवाई काफ़ी भारी संख्या में की है और वर्ष 2022 में केवल नगर क्षेत्र में 13 लोगों के खिलाफ कुर्की कार्रवाई हुई है और इसके साथ साथ लगभग 38 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और इसमें मुकदमे में जो लोग नामजद हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 13 टोटल कुर्की कार्रवाई है लेकिन जो मुकदमे में नामजद लोगों की संख्या और भी ज़्यादा है और ऐसे निरंतर अगले वर्ष भी कुर्की कार्रवाई जारी रहेगी। सर इसमें जो गैंगस्टर हैं वो सर हिस्ट्री शीट गैंगस्टर जो हैं वो तेल माफिया भी हैं और सट्टा माफिया कौन कौन से? सभी तरह के गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो तेल माफिया उनके खिलाफ भी हुई है, जो सट्टा माफिया है उनके खिलाफ भी हुई है और भी जितने तरह के माफिया हैं उन सबके खिलाफ हुई है और बहुत लोगों के खिलाफ अभी विवेचना चल रही है, उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई अगले वर्ष होगी। सर 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को और पुलिस आगरा पुलिस दुरुस्त बना रही है? आगरा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए निरंतर प्रगतिशील है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और बेटर हो और कमिश्नरेट प्रणाली के साथ हम लोग अगले वर्ष और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे।